हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। सो फाइनली फ्रेंड, जो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो आप हमने देख के तो समझ चुके होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपनी NS125 में मॉडिफिकेशन। तो जो इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है वो आपको सिर्फ पड़ने वाली है 30 रुपये में सिर्फ। तो 30 रुपये में जो इसकी मॉडिफिकेशन होने वाली है, उसका आपको क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरी मॉडिफिकेशन का पता लग पाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मिलते हैं आपको वीडियो में आगे। आज की जो हमारी मॉडिफिकेशन होने वाली है वो होने वाली है टायर पे। तो बेसिकली आपको इसके लिए ज़्यादा कोई आइटम की ज़रूरत नहीं है, बस एक आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, वो है वाइटनर की। तो वो आप अपने नियर बाय से कहीं पे भी जो स्टेशनरी होगी वहाँ से ले सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको जो कंपनी का, जौन सी कंपनी का टायर होता है, जैसे मेरा MRF का है, तो उसमें MRF लिखा था, प्लस में जो आपका जितने सेक्शन का टायर है, जैसे मेरा 100/80 का सेक्शन का टायर है, तो उस टायर के ऊपर से हमें जो लिखा हुआ रहता है वर्डों के, उसके ऊपर से अंडरलाइन करनी है हमें। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे जैसे कि वीडियो में, तो ऐसे आपको अंडरलाइन करनी है। बट ये है कि आपको आराम आराम से करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडरलाइन से अगर वो वाइटनर बाहर जाता है तो आपका जो लुक दिखने का रहेगा वो बेकार लगेगा, क्योंकि वो वर्ड से अगर बाहर जाता है तो अलग ही दिखेगा। इस चक्कर में मैंने वाइटनर का यूज़ करा है, पेंट का नहीं करा है। तो आप बाकी वीडियो में देखें और आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसके पूरा लुक होने के बाद भी, क्योंकि नाइट की वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करी नहीं है। तो दिखाते हैं आपको वीडियो में आगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने दोनों टायर पे पूरे कर चुके हैं, आगे पीछे भी, और प्लस में जो उसका लुक दिख रहा है आपको वो कैसा लग रहा है बताना। आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ मैं। देख पा रहे होंगे आप, जैसे MRF नायलॉन का लिखा पड़ा हुआ है, तो ये हमने पूरे में इसमें कर रखा है, इधर साइड से भी और प्लस आगे भी दिखाते हैं आपको, आगे टायर में भी। ये देख पा रहे होंगे आप, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन का, वो देख पा रहे होंगे आप साइड से। तो यही साइड हमने इधर का भी कर रखा है और प्लस में जो दूसरी साइड से है वो भी आप देख सकते हैं, आगे पीछे दोनों टायर में करा हुआ है। लुक आपको देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। प्लस आपको ये कोई बता भी नहीं सकता कि इतने कम बजट में आपने इतनी बढ़िया मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाली है आपको। तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना कि आपको ये मॉडिफिकेशन कैसी लग रही है। और बाकी आपको मैं एक बार इसका पूरा, बाकी इसका मैं एक सिनेमेटिक व्यू भी पूरा डाल दूंगा, तो उसमें आपको बेटर पता लग पाएगा कि कैसा इसका जो लुक है वो लग रहा है। और बाकी इतने कम बजट में आपको तो ऐसी मॉडिफिकेशन कहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। आई होप कि मेरे हिसाब से ये पहली NS की मॉडिफिकेशन होगी जो इसमें हमने करी हुई है, बाकी अभी तक आपको किसी बाइक में नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। और जो इसका लुक है वो तो एक नंबर का होने वाला है। बाकी बंदे भी इसको, कितने बंदों ने, मैं अभी यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था तो कितने बंदों ने इसे रोक रोक के देखा भी है। प्लस में जो एक NS वाला भाई भी था वो भी प्लस में मेरे से पता करके गया कि आपने कहाँ से करवाई है और कितने की कराई, तो मैंने उसे बताया। तो बाकी वो भी बोल रहा था मैं भी अब तो उसमें करने वाला हूँ ये। तो बाकी आपको जो लुक लग रहा है वो आप भी देख के, अगर आपको भी करनी हो तो आप भी कर सकते हैं ये मॉडिफिकेशन। आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।